दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन के लिए 1800 करोड़ रुपए रेलवे बजट से अगले 2 सालों में देश के अलग अलग रूटों पर इस एडिशन की 400 ट्रेनें ट्रैक पर उतारी जाएगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। रेलवे के मुताबिक ICF सहित कई कंपनियों ने इन ट्रेनों को बनाने में दिलचस्पी दिखाई है। 400 ट्रेनों में से पहली 200 चेयर कार ट्रेनें होंगी और बाकी स्लीपर वर्जन होंगी। ये भी बताया गया है कि चेयर कार ट्रेनों को अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाने के लिए डिजाइन किया जाएगा और ये व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी, जबकि बाकी 200 ट्रेनें जो स्लीपर वर्जन में होंगी उन्हें 220 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की व्यावसायिक गति से चलने के लिए डिजाइन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार अगले 2 सालों में सभी 400 ट्रेनें देश की अलग अलग रेल मार्गों की पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, वंदे भारत ट्रेनों के चेयर कार एडिशन धीरे धीरे शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की जगह लेंगे और ट्रेन के स्लीपर संस्करण राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों की जगह लेंगे। रेलवे के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वर्जन के कोच एल्यूमिनियम से बने होंगे और इसे अधिकतम 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने के लिए डिजाइन किया जाएगा। हालांकि सफर के लिए यह स्लीपर ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दक्षिण भारत के कई राज्यों में इस साल के अंत में वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होगी। नए रूट्स में तेलंगाना में कांचीगुड़ा से कर्नाटक में बेंगलुरु तक और तेलंगाना में सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश में तिरुपति और महाराष्ट्र में पुणे शामिल है। आपको बता दें कि कर्नाटक और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने की संभावना है। अब तक देश में 8 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है और ये नागपुर से बिलासपुर और दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से कटरा, दिल्ली से ऊना, गांधीनगर से मुंबई और चेन्नई से मैसूर, हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी और सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम रूट पर ये ट्रेनें चल रही हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।